एक प्रॉब्लम हमेशा रहा है, जितने भी अंबिया इकराम दुनिया में आए उनकी उम्मतों को अपने अंबिया से हमेशा एक प्रॉब्लम रहा, क्या कि तुम नबी नहीं हो सकते इसलिए कि तुम बशर हो। असहाब यासीन को देखो, वो गए तो उन्होंने कहा तुम लोग कौन हो, बोले नबी हैं। आलूमा अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, तुम हमारी तरह एक बशर हो, और जो बशर हो वो कभी नबी नहीं हो सकता। और आज क्या कहते, पहले क्या बोलते थे, बशर है इस वजह से नबी नहीं हो सकता, और आज क्या कहते हैं, नबी है इसलिए बशर नहीं हो सकता। दोनों अकीदों के दरमियान एक चीज कदरे मुश्तरक है, वो ये कि नबी कोई सुपर नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल नहीं होना चाहिए। अल्लाह फरमा रहा है नेचुरल होता है नबी, जो होता है इंसान होता है, सुपर नेचुरल नहीं होता। और तमाम अंबिया इकराम के ताल्लुक से उनकी उम्मतों का यही प्रॉब्लम रहा है, वो उनका अकीदा ये था कि नबी को सुपर नेचुरल होना चाहिए। पहले ये कहते थे ये बशर है इस वजह से नबी नहीं हो सकता, और आज कहते ये नबी है इसलिए बशर नहीं हो सकता। दलील ये दी गई अहले हदीसों की तरफ से कि अल्लाह यह फरमाता है, अरे हमारे हबीब आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अच्छा अब ये मौलवी क्या कहता है, ये तहरीफ देखो, कहता है कि यहां अल्लाह ने अपने हबीब से ये कहा है कि तुम काफिरों से कह दो कि तुम्हारी तरह मैं इंसान नहीं। ये खुली तहरीफ नहीं है? अच्छा ठीक है, यहां से तो बच निकले बेटा, यहां से तुम बेटा बच निकले तावील करके कि यहां अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, यह बात किससे कह दो, काफिरों से कह दो, ठीक है। लेकिन एक जगह फंस जाओगे बेटा, शायद तुमने वो हदीस नहीं पढ़ी, अब कासमी पढ़ने जा रहा है वो हदीस, वहां से तो बच निकले। यही वजह है कि कुरान को बगैर हदीस के नहीं समझा जा सकता, वरना कुरान बाजीचे अतफाल बन जाएगा, जिस तरीके से चाहे आदमी कुरान से खेले। ये देखो कैसी तावील कर ली गई कि तुम्हारी तरह बशर हूं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह, बशरियत का जहां तक मामला है ये कुफार की बात है। अब मैं हदीस पढ़ दूं कि ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कही है कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, मैं तुम्हारी तरह। अच्छा और फिर एक तारुस होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, हदीस इस तरह, वार अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد او نقص قال ابراهيم والوهم مني فقيل ازيد يا رسول الله ازيد في صلاه شيء فقال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين رواه مسلم في كتاب المساجد। حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب المساجد کے اندر لائے ہیں اور راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، غالباً زیادہ ہو گئی تھی یا کم ہو گئی تھی، یہ ابراہیم کو وہم ہوا ہے، فزادہ نقصا، نماز کم ہو گئی یا زیادہ ہوئی، راوی کو شک ہے، راوی کو وہم ہوا، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے چار رکعت لگتا ہے پانچ رکعت پڑھا دیے۔ کہا نہیں، انما انا بشر مثلکم، مخاطب صحابہ ہیں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، तुम्हारी तरह मैं भूलता हूं जैसे तुम भूलते हो। या बशरियत का खासा बताया गया, जैसे इंसान भूलता है वैसे नबी भी भूलता है। देखो या अंसा कमा तंसौन, और तुम में से कोई अगर भूल जाए तो बैठ करके दो सजदे कर ले फिर सलाम फेर दे, और नबी ने ऐसा ही किया। देखिए यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से यह कहा कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, लिहाजा कोई ताबील और चलने वाली नहीं है। एक एतराज बंदे ने यह किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अय्युकुम मिस्ली, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम लोग मेरे मिस्ल हो। अब देखो ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई आदमी ये कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ऐ ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ, बस छुट्टी हो गई, नमाज पढ़ना ही नहीं है। अरे आगे पढ़ क्या है, बैकग्राउंड देख किस तनाजुर में कहा जा रहा है नमाज के करीब मत जा, वहां तुम सुगारा जब तू हालत नशा में हो। और एक बात याद रखो, किसी बात को सियाक से काट कर, कॉन्टेक्स्ट से काट कर अपना मतलब तो बनाया जा सकता है, लेकिन पूरी बात सामने आने के बाद मतलब हल नहीं होता। यहां तो
अगर सियाक से बात को काट दिया जाए तो या युहल्लदीना आमनु ला तकरबु सलात का मतलब हुआ ऐ ईमान वालों नमाज के करीब ना जाओ। सियाक पूरा का पूरा देखो वहां तुम सुकारा कहा गया, जब तुम हालत नशा में हो तो तुम लोग नमाज के करीब ना जाओ, ये बात कही गई है। यहां भी ऐसे ही है, नबी ने एक दफा फरमाया अय्युकुम मिसली, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम लोग मेरी तरह हो, तो बधाई ऐसा लगता है जैसे इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम से ये हदीस टकरा रही है। और अजीब बात तो ये है कि ये रिवायत बुखारी शरीफ की है। ऐ मेरे सहाबा क्या तुम मेरी तरह हो, इसका मतलब तुम मेरी तरह नहीं हो। अब इसको सियाक से काटकर मौलवी ने अपना मतलब हल कर लिया, अपना उल्लू सीधा कर लिया, लेकिन उल्लू सीधा नहीं हुआ, उल्लू सीधा नहीं हुआ, सीधा कैसे हुआ मैं फिर टेढ़ा कर दे रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया कि देखो तुम लोग सौ में विशाल मत रखो, ये पस मंजर है उसका। सौ में विशाल का मतलब क्या, कंटिन्यू बगैर बीच में गैप किए रोजा रखते रहना, ये सौ में विशाल है, ये हराम है, जायज नहीं है। आज रोजा रखा कल ऐसे परसों रोजा रखता रहे रोजा रखता रहे रोजा रखता है। सौ में दाऊदी का हुक्म आपने दिया है कि आदमी एक दिन छोड़ दे एक दिन रोजा रखे, एक दिन छोड़ दे एक दिन रोजा, कंटिन्यूस रोजा ना रखे रमजान के अलावा मुसलसल कई महीनों तक वगैरह, इसको सौ में विशाल कहते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग सौ में विशाल न रखो, कंटिन्यू रोजा मत रखो। तो सहाबे किराम ने पूछा फइन्नका तुआसिलो, ऐ अल्लाह के रसूल आप तो सौ में विशाल रखते मुसलसल रोजे रखते चले जाते, बीच में आप गैप नहीं करते और उसके लिए हमें मना कर रहे हो। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युकुम मिसली, क्या तुम मेरी तरह हो, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। ये देखिए ये नबी का खासा बयान किया गया है, ये नहीं कहा गया, ये खसूसियत है नबी की, इस खसूसियत में कोई शरीक नहीं है। जहां तक बशरियत की बात है बशरियत में सब शरीक है, यहां खसूसियत के अंदर शिरकत की बात कही जा रही है। कैसा उसने अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की और कैसा मैंने उसकी चोंच पकड़ ली है।